जो गोरे बाजी बताएंगे बाजी बताएंगे जवार बीज रहे हैं। जवार बीज रहे हैं, अच्छा ये इसलिए पठों के लिए है। और ये इरम अभी ये क्या चीज है? ये जवार है जी, ये अब वो फसल नहीं ना होगी तो शताला वगैरह उसके बाद ये शुरू हो जाता है। अच्छा तो अब इन्होंने गर्मियों में यही डालने हैं तो हमारे घर के सामने भी ये फसल यही लगी थी जवार। अच्छा तो ये जानवरों को चारा ही है। बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं जी, बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं। राबिया के पीछे अगर आपको नज़र आ रही है चार दीवारी स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ मुझे भैंसे गायें बहुत तादाद में नज़र आ रही हैं। ये क्या बाड़ा है? कुर्बानी के जानवर है। वो कह रहे हैं कि इधर भी एक कुर्बानी का जानवर है, एक छोटा है, एक बच्चा, अच्छा एक बेटा, वो दिखाते हैं। ये भाई जान अपने कामों में थोड़ा सा मसरूफ है, वो कह रहे हैं मैं फ्री होके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें खाद डाल रहे हैं, बड़ा एक्सपीरियंस होता है जी इनका। ये देखे कैसे भाग रहे हैं। ये लगता खेतों के देते हैं इधर से पानी। हाँ ये खेतों के लिए पानी इन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है, यहाँ से ही पानी की वही इधर ले जाते हैं। ये स्टॉक, हाँ ये देखे ना हल्का हल्का इन्होंने पानी छोड़ा हुआ है, ये जा रहा है अपनी जगह पे। इरम आप भी अपने व्लॉग बना रही हैं, ये देखें। ये कह रहे हैं जी भैंसे कुछ नहीं कहेंगी, उनको पता है हमारी वीडियो पिक्चरें बनाने के लिए आए हुए हैं। और ये देखें ये माशाल्लाह, ये देखें कितनी प्यारी छोटी है। ये है जी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। नज़दीक आ जाओ, कुछ नहीं कहता, ये घर का पल्ला होता है, कुछ नहीं कहता, नज़दीक आ जाओ। क्यों क्यों डर रही हो? बहुत अच्छा, ये घर का पला हुआ है जी, ये भी और वो भी घर का पला हुआ है, दोनों है, जोड़ी है लगता है। ये कितनी उम्र का है जी इस टाइम? ये 3 साल का। 3 साल का, कितने दांत है? ये दोंदा हो गया। दोंदा है? हाँ जी दोंदा है। कुर्बानी के लिए बिल्कुल रेडी है जी, बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, सही पला हुआ है। और इसकी इस टाइम क्या कीमत है आप? ये 2 लाख इसका मांग रहे हैं। माशाल्लाह वो पला हुआ भी जोकर देखें, देखें। ये देखें वो पकड़ देने ते तू इंज कर हाथ ला, ऐ देख चल इधर ठहर जाओ हूँ, इधर सामने फेस ले आदरा। ये देखें जी थोड़े से हाथ फेरो ना ऐसे। ये देखें काबू कर लिया बैड़े को इसने, डर रहा है इसे। और ये भैंसे बड़ी अजीब निगाहों से हमें देख रही हैं। मैंने समझा जी ये खुली हुई हैं लेकिन ये बांधी हुई हैं, इनके पाँव में संगल डली हुई है, ये आप देखें संगल से इनको बांधा हुआ है। और ये इनका चारा और बहुत बड़ा बारा है। ये देखें माशाल्लाह ये देखें जी माशाल्लाह संडा कितना पला हुआ है। ये देखें राबिया चारा खिलाने की इनकी कोशिश कर रही है उसके नाक में डाल दिया चारा। आगे करो हाथ से आगे करो, कुछ नहीं कहता। ये देखें कुछ नहीं कहेगी, क्यों डर रही हो? अभी तो आपने भैंसे रखनी है, आप कह रही हो मुझे भैंसों का बहुत शौक है। हाँ नहीं आपने बड़ी रखनी है, ये बचपन से पालना है उसको। क्या हो गया तो पालूंगी, छोटा सा बच्चा हुआ या भैंस भैंसा हुआ दोनों को पालेंगे। अरुण माँ को कह रहा है। ये देखें फुल देसी मोल, पानी पीने दूध
वगैरह हम लेते थे, काफी ज्यादा पुरानी उनकी दयाल के काम माशाल्लाह बड़े मुखलिस नाइस सच्चे। बोल नहीं सकते? नहीं बोल नहीं। अब एक डेरे से निकल के हम दूसरे डेरे का विजिट करने लगे हैं, वो डेरा आपको नजर आ रहा होगा, वहाँ आपको जाके दिखाते हैं माल डंगर। बोर्ड का दरख्त तो बड़ा फैलता है, अब इनकी उम्र बहुत होती है, अभी 100 साल से भी ऊपर, कई साल गए, 200 साल। बोर्ड के दरख्त के नीचे खड़ी हुई है, ये इनकी शाखों को पकड़ा हुआ है इसने, मजबूत होती है इनका, ये देखें जमीन में ग्रोथ भी इन्होंने बहुत की होती है। ये भी भैंसे हैं माशाल्लाह, इधर बहुत पली भैंसे हैं, साफ सुथरी, हिफाजत करते हैं, हिफाजत करते हैं बिल्कुल, खालस पानी। किस तरह किलो दे रहे हैं ये? इधर 110 है। सही है ना, हमारे तो वहाँ 140 वो खालिस भी नहीं मिलता, पानी नहीं डालना। अच्छा और गुनाह समेत हैं ये लोग पानी डालते। अच्छा फिर तो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। लज विलज करती हो आप? विलज से थक गई हो? मैं नहीं थकी हूँ, मैं कह रही चलो आप जरा दरख्त की उम्र बता दे। अच्छा और मैंने बाजी से कह रही थी, मैंने कहा आपके यहाँ जामन का दरख्त आम के दरख्त काफी है, हमारे पीछे भी जामन का दरख्त है, बहुत प्यारा नज़ारे हैं जी। ये देखें बोर्ड का दरख्त, मैंने एक चीज़ नोट की है, जहाँ जहाँ डेरे हैं भैंसों के वहाँ बोर्ड के दरख्त लाजमी पाए जाते हैं, ये है या नहीं है? यहाँ जामन है, दरेक है, और ये इसका बोर्ड का दरख्त है, काफ़ी दरख्त है यहाँ, ये जिसके नीचे खड़े ये बाजी कौन सा दरख्त? बोर्ड, बोर्ड का दरख्त है ना ये, ये बोर्ड का दरख्त है, इतना बड़ा ये फैला हुआ है वहाँ से। इरा मापी ये तो थक के बैठ गई हैं, किधर है किधर है? हाँ ये बहुत बड़ा डड्डू है, बहुत बड़ा मैडिक है, ये देखें जी कैच हो गया, ये ट्रेन जा रही है जी। आपको हमारा गांव जी अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा के बेड़े बकरियां गायें भैंसे खरून को बहुत पसंद है, अक्सर मैं काम पे जब जाता हूँ तो वो भैंसों की वजह से और बेड़ों की वजह से वो मुझे कहते हैं मुझे काम पे लेके जाएं। फिर हम अभी आपके विलेज में जो जो चीज़ें यकीन माने हमें अच्छी लगती थी वो ही पाई हैं, अब देखें, और माशाल्लाह यहाँ के लोग भी बहुत खलूस, बहुत अच्छे लोग हैं। ये देखें ना कोई जान ना पहचान, मेरे बेटे को आप देखें बिठा के ट्रैक्टर पे बकायदा हल चला रहे हैं, ये देखें और एंजॉय कर रहे हैं वो। हम ढूंढ रहे हैं इसको कहाँ गया है, ये अरुण उतरने लगा है जी, राबिया भी ट्रैक्टर पे बैठने लगी है, बेटे को भी आप बिठा ले साथ, ये देखे गिरने लगी थी। सिखाना पड़ेगा ये ट्रैक्टर जी, कितने टाइम तक भला सीख जाता है?
आराम से। देखे जी राबिया राबिया ट्रक करने शुरू हो गई है। ये देखे ये देखे कैसा लगा ट्रैक्टर में हल चलाना और ट्रैक्टर को चलाना है? हाँ मुश्किल नहीं है, जब उस्ताद खड़े थे साथ उन्होंने आपको गाइड किया है तो तब चलाने हुआ। ऐसा आप चला के दिखा गाड़ी लाके दे हम चला। अच्छा गाड़ी गाड़ी चला लेती है ये, लेकिन हाफ मुकम्मल नहीं। शुक्रिया जी अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इतनी इज्जत इतनी रिस्पेक्ट दी, सदा याद रहेगी। ये सब इरम आप ही की बदौलत है। अच्छा ये देखें जी, ये सारी मोहब्बत क्रेडिट ये इरम आप ही को जाता है। माशाल्लाह इस विलेज के बहुत खलूस और प्यार करने वाले लोग हैं। और देखें हम तो अनजान थे इनके लिए, लेकिन इन्होंने हमें कितना प्यार दिया है। सूर देखिए जी, सीन कितना प्यारा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा सीन है, यकीन माने दिल करता है यहाँ से देखते हैं, ये नज़ारा बहुत प्यारा है। और प्रिंटर देखे वापस जा रहे हैं घोंसलों को, घोंसलों को जा रहे हैं। इनको भी पता है हमारी टाइम टेबल क्या है, निकलना किस टाइम है। हाँ ये देखें, ये देखें खुदा की कुदरत, और हम भी वापस जा रहे हैं, हमारा भी वापस जाने का टाइम हो गया, ट्रैक्टर हमने चला लिया, खूब एंजॉय किया। ये देखें जी माशाल्लाह आपको व्यू कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा विलेज है इरम आपी का। इरम आपी हमें तो यकीन माने यहाँ की जैसे आदत सी नहीं होगी। अच्छा फिर आप रुक बिल्कुल इरम आपी यकीन माने बिल्कुल अनजान नहीं लग रहा, किसी अनजान जगह पर हैं, ये अनजान लोगों से मिले हैं, बिल्कुल अपना सा। यहाँ के लोग प्यार करने वाले लोग हैं, लोग वाकई बड़े अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, खलूस वाले हैं यकीन मन। यहाँ की भैंसें भी इस्तकबाल करती हैं, मैं बहें करके बुलाती हैं, पुकारती हैं, अस्सलाम वालेकुम करती हैं। राबिया को तो डर लग रहा था, लेकिन वो इसका इस्तकबाल कर रही थी, डरने की जरूरत तो खैर नहीं थी। खैर कोई डरी शरी नहीं हूँ, मैंने खुद भैंसें रखनी है। हाँ इस बात का अपना ये पानी में दिखाए एक सूरज की बजाय दो सूरज देख के कैसा व्यू लग रहा है सब बहन भाइयों का जी, जरूर बताना आप सब ने कमेंट बॉक्स में। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यकीन माने, अभी मुझे देख के ना दिल कर रहा है इधर ही खड़ी रहूं या नज़ारा देखती रहूं, बहुत अच्छा लग रहा है। इरम आपी क्यों जब ये फसलें, अब ये जब गंदम लग जाती है ना तो उसके बाद ये आपको ये टीले टीले नज़र आ रहे हैं ना, तो इसको ज़ाया करने के लिए ताकि इसमें नई फसल उगाई जाए, आप चावलों की ये देखिए इधर साथ ही उन्होंने पनीरी लगाई हुई है, ये कद्दू कर दिया है इसमें, अब वो लाभ जो है वो लग जाएगी पनीरी, तो वो भी इसके ऊपर ट्रैक्टर चलेगा, उसके बाद यहाँ से उखेड़ के तो ये फसल उधर लगा आप भी लगा देते हैं ना, कोई चीज़ नज़र ही ना आए, अच्छा ज़ाया हो जाए। अच्छा ये वजह जी, उसी जगह कनक होती है उसी फसल में चावलों की, और इसी के साथ करीब आ गए हमारे, ऐसा लगता है ये बिल्कुल करीब है। इसी के साथ ही आप सब बहन भाइयों से हमें इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट लोग भी हमें इजाजत दें, और हमारी वीडियो में कोई भी आपको बात अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर। हमारी आप ही का चैनल है इरम एस फैमिली व्लॉग के नाम से, लिंक आपको इरमास फैमिली व्लॉग के नाम से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप भी आप अपना जुबानी आपको करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बहुत अच्छे व्लॉग बनते हैं, इनके व्लॉग पर जाएं देखें कैसे हैं। यहाँ आपको विलेज का माहौल मिलेगा, ये जो कुछ आप देख रहे हैं हमारी वीडियो में ये सब इनका दिया हुआ तोहफा है हमें विलेज का। आपको तो पता है हम रावलपिंडी में रहते हैं, लेकिन ये विलेज जो आप देख रहे हैं ये इरम आपी का विलेज है, यहाँ का माहौल है देसी माहौल है, बहुत प्यारा माहौल है। आप सब बहन भाइयों ने अगर हमसे कोई प्यार करता है तो ऐसा करें, हमारी इरम आपी है, इनके चैनल पे जाएं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुकम्मल वॉच करें और सब्सक्राइब करें इनको। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हमें दें इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।